वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस सब। मेरा नाम है कीर्ति। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्य प्रदेश का जो बहुत सारे लोगों के पास एक्चुअल में नोटिफिकेशन सर्कुलेट हो रहा है, तो ये वैकेंसी रियल है या फेक है वो चीज़ मैंने आपको क्लियर करने के लिए वीडियो बनाया है, क्योंकि मेरे पास कल रात से नोटिफिकेशन बहुत सारे लोग भेज रहे हैं। उनका कहना है कि ये क्लियर सही में वैकेंसी आ गई है एमपी में, कि कोई फर्जीवाड़ा हो रहा है, फिर फेक नोटिफिकेशन है। तो यहाँ पर जो नोटिफिकेशन, जो लोग पूरा नोटिफिकेशन पढ़ चुके हैं उनको क्लियर हो गया है कि ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है, क्योंकि ये नोटिफिकेशन ना तो MP NHM की वेबसाइट पर है, ना ही MP Online पर है, ना ही सेम्स की वेबसाइट पर है। आप चाहें तो इसको चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर किसी ने नोटिफिकेशन क्या किया हुआ है, एडिट किया है, 2021 का नोटिफिकेशन एडिट किया एंड देन सभी के पास सर्कुलेट कर दिया और कह दिया कि भाई MP में वैकेंसी आ गई है। तो यहाँ पर जब भी आपको इस तरीके के यदि नोटिफिकेशन आते हैं तो मैं आपको बता दूं कि आप रियल है या फेक, इसको कैसे है जो क्लियर कर सकते हैं। तो यहाँ पर पूरा नोटिफिकेशन जिस तरीके से सेट किया गया है ऑफिशियल नोटिफिकेशन ही ये, बट 2021 का है। जो CHO की पोस्ट हुई थी 2021 में एग्ज़ाम हुआ था ये उसका है, क्योंकि यहाँ पर पूरे चीज़ें हैं जो सेम रखी गई हैं। तो हो सकता है कि इस बार भी जब आपकी MP NHM में CHO की वैकेंसी आए तो CCS सर्टिफिकेट वालों को ही यहाँ पर लिया जाएगा एंड देन यहाँ पर जो भी क्वालिफिकेशन है, एज लिमिट है, सभी सेम होगी। बट यहाँ पर जो डेट दी हुई है ये देखिए, आप यहाँ पे कहा है कि 15 फरवरी से 28 फरवरी 2022 तक फॉर्म है जो फिलअप होंगे, बट जब ऑफिशियल वेबसाइट आप चेक करेंगे तो आपको वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं मिलेगा, मिलेगा ही नहीं कि फॉर्म फिलअप हो रहे हैं या नहीं। तो आपके फॉर्म तो भरना दूर की बात है। तो यहाँ पर ये चीज़ आपकी क्लियर हो जाती है एंड देन यहाँ पर बता दें आपको कि जो पोस्टें बताई हैं कि कितनी है, 486 पोस्टें यहाँ पर बताई हुई हैं कि 486 पोस्ट के लिए ये जो फॉर्म है जो फिलअप हो रहे हैं। तो यहाँ पर बाकी जो सभी चीज़ें हैं कि 33% सीटें महिलाओं के लिए हैं, ये सभी चीज़ें सही हैं। बट यहाँ पर जो 486 पोस्ट बताई हैं एंड देन जो क्वालिफिकेशन कही है वो सभी चीज़ें ठीक हैं। अब हम जाते हैं कि आपका जो क्लियर कट है ये कैसे होगा। तो जब आप यहाँ से सेम्स की वेबसाइट पर जाएंगे, जो सेम्स की ऑफिशियल वेबसाइट है, तो यहाँ जाके आपको किसी भी तरीके का नोटिफिकेशन नहीं मिलने वाला है, ना ही MP NHM की वेबसाइट पर मिलेगा। तो यहाँ पर जब पूरा नोटिफिकेशन चेक किया गया, नोटिफिकेशन सही है, 2021 का है, बट अभी 2022 में कोई भी वैकेंसी घोषित नहीं की है MP NHM ने CHO की पोस्ट के लिए। तो यहाँ पर आपको डायरेक्ट जाके, ये रहा पेज नंबर 11 पेज की PDF है। तो यहाँ पर है जो आपका डाउट है, जो क्लियर है, जो हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आपका डाउट है वो क्लियर हो जाएगा कि जो पोस्ट हैं 1170 और 1680, तो 2850 वैकेंसी के लिए एग्ज़ाम हुआ था 2021 में, ये उसी नोटिफिकेशन को, रूल बुक को है जो पूरे में सर्कुलेट कर दिया कि वैकेंसी आई है, सब लोग परेशान हैं कल से। तो ये नोटिफिकेशन ये रहा कि 1170 और 1680 वैकेंसी थी, ये देखिए जुलाई से दिसंबर 2021 के बैच के लिए, और दूसरी थी अक्टूबर से लेके मार्च 2022 तक के लिए, यहाँ पे इस तरीके से बता दिया है। तो ऐसा अभी तक कुछ भी नहीं आया है, और आप एक बार और ऑफिशियल वेबसाइट और चेक कर सकते हैं, क्योंकि इस टाइप की अभी कोई भी वैकेंसी नहीं आई है। जब भी आएगी आपको नोटिफिकेशन ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगा, मैं भी आपको चैनल के थ्रू बता दूंगी। आई होप आपका डाउट है जो क्लियर हो गया हो।